हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज मैं आप लोग के पास एक फिर से जॉब नोटिफिकेशन लाया हूँ दोस्तों, और ये असम का है, ग्रेड फोर का पोस्ट जो निकला हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाला हूँ। तो ये जो आया है दोस्तों वैकेंसी, लखीमपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नॉर्थ लखीमपुर, तो यहाँ से आया है ये नोटिफिकेशन दोस्तों। और इसको जो है 6 तारीख को ही रिलीज़ कर दिया था इस एडवर्टाइजमेंट को, बट मैंने वीडियो बना नहीं पाया था कुछ रीज़न के कारण, थोड़ा सा लेट हो गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। तो इसमें जो आप लोगों को पहला जो पोस्ट मिल रहा है, और दोस्तों मैं इधर बताना चाहता कि इसका जो अप्लाई है ऑनलाइन अप्लाई है, 15 मई से हो जाएगा स्टार्ट और 30 मई तक इसका ऑनलाइन अप्लाई चलेगा। तो उसके बाद इसमें क्या क्या पोस्ट मिल रहे हैं वो दिखाई दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। दोस्तों ग्रेड फोर का है, मैं पहले बता देना चाहता हूँ। इसमें जो है पहला पोस्ट जो है वार्ड बॉय वार्ड गर्ल का है। इसमें क्लास 8 पास होना चाहिए आप लोगों का मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, और पे स्केल बोला तो 12,000 से 52,000 प्लस आप लोग को ग्रेड पे मिलेगा 3,900। और इसमें आप लोग का जो वैकेंसी है, बहुत सारा वैकेंसी पोस्ट है इसमें, और 71 पोस्ट है। सो सभी कैटेगरी का आप लोग देख लीजिए कि आप कौन सा कैटेगरी में पढ़ता है। तो अगर मैं डिटेल्स में एक कैटेगरी बताएगा तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट ग्रेड फोर का है, क्लास 8 पास होना चाहिए इसमें भी, 12,000 से 52,000 तक आप लोग को प्लस। आप इसमें भी सैलरी सेम रखा है, इसमें 4 पोस्ट है, UR OBC MOBC के लिए सब के लिए दिया है, अटेंडेंट के लिए इसकी भी क्लास 8 पास मांगा है, 12,000 से 52,000 प्लस आप लोग का ग्रेड पे रहेगा। और इसमें टोटल 10 पोस्ट है, और कैटेगरी अपना आप लोग देख सकते हैं, और लेबोरेटरी अटेंडेंट तो क्लास 8 पास है इसके लिए भी 12,000 से 52,000 प्लस आप लोग का ग्रेड पे रखा है, 30 पोस्ट है टोटल। और उसके बाद आप लोगों को सब कैटेगरी का ही इसमें भी मिल जाएगा, पियोन के लिए भी निकला हुआ है दोस्तों। पियोन के लिए जो है आप लोगों को 8 पास जो है होना चाहिए, और इसमें भी 12,000 से 52,000 सेम रखा है पे स्केल, और 6 पोस्ट है टोटल इसमें। तो कैटेगरी आप लोग टैग लेना अपना। और उसके बाद आता है दफ्तरी, तो दफ्तरी पोस्ट के लिए भी वैकेंसी निकला हुआ है, क्लास 8 प्लस क्वालिफिकेशन 12,000 52,000 प्लस ग्रेड पे रहेगा आप लोगों का। इसमें टोटल 4 पोस्ट है, स्वीपर के लिए क्लास 8 पास होना चाहिए, 12,000 से 52,000 सेम रखा है उसने, इसमें 15 पोस्ट है दोस्तों। और इसके बाद डाइजेक्शन हॉल अटेंडेंट, तो इसके लिए भी पोस्ट निकला हुआ है, क्लास 8 पास क्वालिफिकेशन, पे स्केल सेम रखा है, इसमें 4 पोस्ट है, और कुक के लिए भी 8 पास मांगा है उन्होंने क्वालिफिकेशन, पे स्केल सेम, इसमें भी 4 पोस्ट है। और उसके बाद आता है एनिमल अटेंडेंट के लिए क्लास 8 पास होना चाहिए, पे स्केल सेम रखा है, 2 पोस्ट है इसके लिए। और धोबी वॉशरमैन ओमेन के लिए भी निकला हुआ है, इसमें 8 पास होना चाहिए, पे स्केल सेम रखा है उन्होंने, 12 पोस्ट है टोटल, 12 पोस्ट इसमें इसमें मिल जाता है। इसके बाद आप लोगों को पेकार का पोस्ट मिल रहा है, क्लास 8 पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पे स्केल सेम रखा है उन्होंने, 12 पोस्ट इसमें भी। और वर्कशॉप वर्कर का भी पोस्ट निकला हुआ है दोस्तों, इसमें क्लास 8 पास मांगा है उन्होंने, इसमें टोटल 6 पोस्ट है दोस्तों। इसमें आप लोगों को जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, 15 मई से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, अभी फ़िलहाल तो नहीं हुआ है। और एस रिलैक्सेशन बोलो तो उन्होंने रिलैक्सेशन वगैरह भी रखा है, तो 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं रिलैक्सेशन, अगर गॉब रोल्स की कैटेगरी है से आप अगर है तो। और उसके बाद आता है आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों, ऑनलाइन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट ऑफिशियली वो लोग नोटिफिकेशन कर दिए गए हैं। और तो अप्लाई करने के टाइम में आप लोगों को क्या क्या चाहिए वो भी उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे, क्लास 8 प्लस का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, एसपी के लिए ऑल मार्क्सशीट चाहिए आप लोगों का, सर्टिफिकेट चाहिए, पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी अगर है तो PWD सर्टिफिकेट तो दे सकते हैं, परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट मांगा है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो दे सकते हैं, इकोनॉमिकली वेकेंट सेक्शन अगर है तो आप देख सकते हैं। और इसका जो अप्लाई लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं जब इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल तो नहीं हुआ है, तो
तो दोस्तों इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों असम का कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, अदरवाइज कोनो बाकी स्टेट के लिए नहीं कर सकते दोस्तों। मैं लिंक यहाँ पे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ जा के अप्लाई कर सकते हैं जब अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही छोटा सा जानकारी था, तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।